हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर नंबर 12 और इसकी हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1। यहाँ पर सिर्फ दो ही फॉर्मूलेज यूज करने वाले हैं हम, एक है पेरीमीटर ऑफ सर्कल या सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल और दूसरा एरिया ऑफ सर्कल। ये दोनों आपको पहले से पता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल या सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr एंड एरिया ऑफ सर्कल इज πr2। एरिया का मतलब होता है ये पूरा पार्ट, ठीक है, और सर्कमफेरेंस का मतलब होता है उसकी लेंथ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वन। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। दो सर्कल्स हैं, एक का रेडियस है 19 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर वन हम ले लें 19 सेंटीमीटर और आर टू 9 सेंटीमीटर। और आपको दिया हुआ है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, कोई और सर्कल उसका हमें रेडियस फाइंड करना है। विच है सर्कमफ्रेंस इक्वल टू, इसका सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल है, इन दोनों के सम के इक्वल। विच है सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ टू सर्कल्स, तो गिवन क्या है आपको, सर्कमफ्रेंस ऑफ न्यू सर्कल इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ गिवन सर्कल्स, सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ गिवन सर्कल्स। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr, न्यू सर्कल का रेडियस कैपिटल आर। सर्कमफ्रेंस ऑफ जो गिवन सर्कल्स है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr1 और इसका 2πr2। हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे राइट साइड में, 2π 2π दोनों में है, बचा क्या r1 प्लस r2। 2π दोनों साइड से कैंसिल हो गया, सो r इक्वल टू r1 प्लस r2। R1 is 19, R2 is 9, plus करेंगे तो 28 सेंटीमीटर। Therefore, radius of new circle is 28 सेंटीमीटर। Question 1 complete. Moving to next question 2. The radii of two circles are 8 सेंटीमीटर and 6 सेंटीमीटर respectively. एक radius 8 सेंटीमीटर, दूसरे का radius 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, कोई और सर्कल है उसका रेडियस हमें फाइंड करना है। हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कल्स, तो इसका एरिया इन दोनों के एरियाज का सम है। इसका एरिया A1, सेकेंड का एरिया A2 और इसका एरिया A। ठीक है, आपको क्या गिवन है, गिवन है एरिया ऑफ न्यू सर्कल इज इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ गिवन सर्कल्स। बस एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यहां पर कैपिटल आर हमने लिया है, इन दो सर्कल्स का एरिया पाई आर वन स्क्वायर प्लस इसका पाई आर टू स्क्वायर। चाहो तो आप एक स्टेप ये लिख सकते हो, ए इक्वल टू A1 प्लस A2, ना लिखेंगे तो भी चलेगा। अब हम लेफ्ट साइड में पाई आर स्क्वायर एज इट इज, राइट साइड में पाई कॉमन ले लें। ठीक है, पाई दोनों साइड से कैंसिल, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर। आर वन इज 8 का स्क्वायर, देन आर टू इज 6 उसका स्क्वायर, 8 स्क्वायर 64, 6 स्क्वायर 36, इनका प्लस 100, आर स्क्वायर इज 100, सो आर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 100, दैट इज 10 सेंटीमीटर। स्टेटमेंट लिख लेना, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 3। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ईजी है, कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। फिगर गिवन है, फिगर डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग एरियाज फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट। द डायमीटर ऑफ रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर, गोल्ड स्कोर का डायमीटर कितना दिया हुआ है, 10.5 सेंटीमीटर, सॉरी 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर डायमीटर है। ठीक है, गोल्ड रीजन का डायमीटर इज 21 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स कितना वाइड है, 10.5 सेंटीमीटर वाइड है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स, तो आपको गोल्ड का एरिया बताना है, गोल्ड इस रीजन का एरिया कितना बताना है, फिर रेड वाले रीजन का कितना एरिया है,
एरिया ऑफ रेड रीजन, ऐसे ही एरिया ऑफ ब्लू रीजन, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन एंड एरिया ऑफ व्हाइट रीजन। यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि गोल्ड का जब हमें निकालना है तब तो हम एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है सर्कल। अब जब रेड रीजन पे आएंगे, ध्यान से देखो, मैं अभी सिर्फ गोल्ड और रेड बना रही हूँ, ठीक है। तो रेड रीजन का एरिया हम कैसे निकालेंगे, पढ़ा हुआ है पहले, इस रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे, टोटल एरिया माइनस ये, ठीक है। तो अगर अंदर वाले का एरिया ए वन है और ए वन और टोटल एरिया ए टू है, तो रीजन रेड रीजन का कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेड रीजन कितना हो जाएगा, ए टू माइनस ए वन, ठीक है। सेम ऐसे ही आगे देखो, अगर ब्लू रीजन का एरिया पूछा है, गोल्ड देन रेड देन ब्लू, तो ब्लू रीजन का एरिया पूछा है अगर आपसे, ब्लू रीजन का एरिया पूछा है, ये ब्लू रीजन में ही इंक जानी चाहिए, चलो ठीक है। ब्लू रीजन का एरिया पूछा है तो कैसे निकालोगे, टोटल एरिया ए थ्री, टोटल एरिया ए थ्री माइनस ए टू माइनस इतना, ठीक है। तो एरिया अगर हमें रेड रीजन का निकालना है तो हमने क्या किया, गोल्ड रीजन का एरिया ए वन, रेड रीजन का निकालने के लिए क्या करेंगे, ए टू माइनस ए वन, ठीक है। अब हमें ब्लू रीजन का निकालना है तो क्या करेंगे, पूरे का एरिया पूरा ए थ्री माइनस ये वाला पार्ट ए टू, कितना हो जाएगा, ए थ्री माइनस ए टू, ठीक है। ऐसे ही अगर ब्लैक रीजन का निकालना होगा तो और सोचो आगे, ए फोर माइनस ए थ्री, और व्हाइट का निकालना होगा तो ए फाइव माइनस ए फोर। ये कंसेप्ट हम यूज करेंगे, और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपको पता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। बस अब हम स्टार्ट कर देते हैं। डायमीटर आपको दिया हुआ है गोल्ड रीजन का, तो हम पहले उससे रेडियस निकाल लें। डायमीटर 21 सेंटीमीटर है तो रेडियस हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर, 21 का हाफ, 21 अपॉन 2 डेसिमल में निकाल दिया है, ठीक है। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस सर्कुलर रीजन गोल्ड कितना होगा, एरिया ए वन दैट इज पाई आर स्क्वायर, पाई आर वन स्क्वायर लिख दो। एक काम करते हैं, पहले रुको रुको रुको, ये एरिया स्टार्ट करने से पहले हम सारी रेडियस निकाल लें, इसको आर वन ले लेते हैं। अब ध्यान से देखना, यहां से यहां तक कितना हुआ 10.5, और ये भी 10.5 गिवन है, विड्थ ऑफ ईच स्कोरिंग रीजन, तो 10.5 प्लस 10.5 रेड का रीजन, रेड रीजन का पूरा सेकेंड सर्कल का रेडियस आ जाएगा आर टू, 10.5 प्लस 10.5 21, मैं उसको लिख रही हूँ 2 × 10.5। ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं कैलकुलेशन इजी करवाऊंगी आपसे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, गोल्ड रीजन का रेडियस 10.5 और ये 10.5, तो रेड ये वाला जो सेकेंड हम जिसको हमने ए टू नेम दिया है, ए टू इसको नेम दिया है, इसका रेडियस कितना हुआ 10.5 प्लस 10.5 दैट इज इक्वल टू 2 × 10.5, ठीक है। अब आर थ्री लेंगे, जब हम आर थ्री लेंगे तो ये ए थ्री पे आ जाओ, पूरा ब्लू पूरा इतना, इसका रेडियस कितना होगा, इस सर्कल का रेडियस कितना होगा 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5, क्लियर, 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 3 × 10.5। सिमिलरली आर फोर जब निकालना है, मतलब पूरा ये वाला सर्कल, बड़ा वाला ये वाला सर्कल, तो इसका रेडियस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5, तो आप लिख सकते हो 4 × 10.5, और आर फाइव को डायरेक्ट लिख दो मैं 5 × 10.5, ठीक है। तो हमारे पास सारे रेडियस आ गए। अब हम ए वन लिखते हैं, पाई आर वन स्क्वायर, पाई इज 22/7, रेडियस 10.5 और 10.5 रेडियस का स्क्वायर, कैंसिल करते हैं, 7 × 7 = 35, 22 × 15 = 33, 33 × 10.5 इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 346.5, तो ये एरिया आ गया गोल्ड रीजन का, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन आ गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आप निकालते हैं A2 कितना होगा, पाए आर टू स्क्वायर, पाए आर टू स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, चलो एक स्टेप और करते हैं, आर टू को हमने क्या लिखा था 2 ×
कितना आया था 10.5 का स्क्वायर, ध्यान से देखो पाई आर टू, आर टू मैंने लिखा था 2 × 10.5 का स्क्वायर कर दे पाई आर टू स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा पाई इंटू टू का स्क्वायर 4 इंटू 10.5 का स्क्वायर। अब मैंने यहां पर ये सॉल्व किया हुआ ए वन में, पाई इंटू 10.5 का स्क्वायर कितना आया था 346.5, ठीक है, इसीलिए हमने ये इस फॉर्म में लिखा है ताकि आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए। दूसरा तरीका क्या है, नॉर्मल सबको मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हमने क्या किया, पाई ये आर टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर 4, 10.5 का स्क्वायर एज इट इज, और ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, पाई इंटू 10.5 का स्क्वायर हम कैलकुलेट कर चुके हैं ए वन में, ए वन था ना पाई आर वन स्क्वायर मीन्स पाई इंटू 10.5 इंटू 10.5, ये हम कर चुके हैं, पाई की जगह 22/7 रखे, ये हम कैलकुलेट करके 346.5 निकाल चुके हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपको मिलेगा ए टू मिलेगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको क्या निकालना है एरिया ऑफ रेड रीजन, कैसे निकालोगे अभी समझा रहा था स्टार्टिंग में, ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन, ए टू इज 1386, ए वन इज 346.5 जो आप पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, तो दिस कम्स आउट टू बी 1039.5, ये हो गया सेकेंड रीजन का एरिया। चलिए अब हम आगे करते हैं, रेड रीजन का एरिया आ गया, अब हमें ए टू के बाद ए थ्री निकालना है, ए थ्री इज पाई आर थ्री स्क्वायर, पाई आर थ्री हमने लिया था 3 × 10.5 उसका स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 10.5 स्क्वायर, और पाई इंटू 10.5 का स्क्वायर आप कैलकुलेट कर चुके हो कितना था 346.5 और इंटू 9 करना आपको, ठीक है, तो ए थ्री आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है 3118.5, ये तो आ गया ए थ्री, ए थ्री मतलब पूरा ये रीजन, ठीक है, तीन सर्कल्स जो दिख रहे हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स वो पूरा रीजन, और हमें क्या फाइंड करना है ब्लू रीजन का एरिया, तो एरिया ऑफ ब्लू रीजन विल बी फॉर्मूला लिखा हुआ है हमने ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री इज 3118.5 माइनस ए टू, ए टू इज 1386, इनको सब्ट्रैक्ट करने से आपको मिलेगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब हम निकालते हैं ए फोर, ए फोर इज पाई आर फोर स्क्वायर, और आर फोर कितना था 4 × 10.5, ठीक है 4 का स्क्वायर 16 और 10.5 का स्क्वायर, पाई आर वन स्क्वायर है ये, पाई आर वन स्क्वायर जिसकी हम वैल्यू निकाल चुके थे 346.5, ठीक है, तो 16 × 346.5 दिस कम्स आउट टू बी 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन दैट इज इक्वल टू ए फोर माइनस ए थ्री, ए फोर है 5544 और ए थ्री कितना था आपका, ए थ्री था 3118.5 और सब्ट्रैक्ट करने से आपको मिलेगा 2425.5, ठीक है, तो ये ब्लैक रीजन का एरिया आ गया, चेक कर लें एक बार 242.5 यस सही है। इसके बाद अब हम निकालना है ए फाइव, दैट इज पाई आर फाइव स्क्वायर, आर फाइव इज 5 × 10.5 का स्क्वायर, पाई एज इट इज 5 का स्क्वायर 25 एंड 10.5 का स्क्वायर, पाई इंटू आर वन स्क्वायर हम कैलकुलेट कर चुके हैं दैट इज इक्वल टू 346.5, इनको मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा 8662.5, ठीक है ए फाइव आ गया। सो एरिया ऑफ वाइट रीजन विल बी ए फाइव माइनस ए फोर, ए फाइव इज 8662.5 एंड ए फोर इज 5544, इनको सब्ट्रैक्ट करने से आपको मिलेगा 3118.5, ऐसा पहले भी हमें मिल चुका है 3118.5,
ये कंप्लीट हो गया। तो इसमें हमने मेनली क्या यूज किया, ये कंसेप्ट यूज किया, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे कि कोई भी एक रीजन फाइंड करना है तो कैसे निकालोगे, टोटल एरिया माइनस ये वाला आउटर सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया, तो आपको ये शेडेड रीजन का एरिया मिल जाता है। वही कंसेप्ट हमने बार बार यूज किया है, क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। अभी सिर्फ हम व्हील बना रहे हैं, ये कार नहीं बना रहे, उस पर व्हील बना रहे हैं, समझने के लिए। इसका डायमीटर दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम मीटर में भी कन्वर्ट कर ले, कैंसिल करेंगे तो 2/5 मीटर, ठीक है। How many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes? 10 minutes में second में convert कर ले, ठीक है। तो यहाँ पूछा है how many complete revolutions, number of revolutions आपको find करना है। When the car is traveling at a speed of 66 kilometer per hour. ये डेटा हमने कंप्लीट लिख दिया, स्पीड को भी हम चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 5/18 करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 आवर में 3600 सेकंड्स, कैंसिल करोगे तो ये मिल जाएगा, कैंसिल कर लें, 6 3 18, 6 11 66, दैट इज 55/3 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये जो व्हील है ये एक बार रोटेट करेगा तो कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया व्हील अगर एक बार रोटेट करेगा, जैसे कि सपोज करो कि ये व्हील है, सपोज करो, ठीक है, और ये रोड पे जा रहा है, इसे एक बार इसने पूरा डिस्टेंस कवर किया तो कितना डिस्टेंस कवर किया, 2πr। ये क्या है इसका 2πr, सर्कमफ्रेंस है ना। इस पॉइंट से मान लो, इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, दिख रहा है ये वाला पॉइंट, यहां से स्टार्ट किया इसने और एक बार पूरा सर्कल कर लिया, पूरा सर्कल कर लिया, ऐसे आ गया, तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 2πr। अगर दो बार इसने रिवॉल्व किया, 2 times रिवॉल्व किया तो 2 into 2πr, 3 times रिवॉल्व किया तो 3 into 2πr, 4 times रिवॉल्व किया तो 4 into 2πr, ऐसा सोचो। अगर एक बार रिवॉल्व किया तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 2πr, ठीक है, 1 revolution में। अगर 2 revolution किए तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 2 into 2πr। अगर 3 revolution हुए तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 3 into 2πr। यस, समझ में आ रहा है। अगर 4 revolution हुए तो डिस्टेंस कितना हो गया, 4 into 2πr। और अगर नंबर ऑफ revolutions को n ले लें, नंबर ऑफ revolutions n revolutions के लिए कितना डिस्टेंस कवर होगा, n into 2πr, ठीक है। सपोज वो डिस्टेंस कवर करके यहां आ गया, कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, n into 2πr, क्लियर हो गया। तो डिस्टेंस कवर्ड हम निकाल सकते हैं n into 2πr, और डिस्टेंस कवर्ड स्पीड और टाइम से भी निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड विल बी n into 2πr, और दैट इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड इज How much n into 2πr, और स्पीड इज 55/3 और टाइम है 600, ठीक है, क्लियर। ये कैंसिल करते हैं, 3 2 6 और 2 0, बाकी कैलकुलेशन यहां करती हूँ। कितना क्लियर हो गया सबको, अब देखो n into 2π into r, रेडियस कितना था, 2/5 is equal to 55 into 200, बस अपना सारा काम हो गया इसमें। अब इसका n निकालना है, सिर्फ सिंपल सा कैलकुलेशन है। वापस देखो, n into 2πr is distance covered and that is equal to speed into time, speed हमने put कर दिया, time हमने put कर दिया, हमारे पास given data से, ठीक है, radius हमने put कर दिया, n into 2πr equal to this, जो हमने यहाँ से निकाला। अब आपको n find करना है, अभी कैंसिल मत करो, कैंसिल सबसे लास्ट में किया करो, चाहो तो ये मल्टीप्लाई कर सकते थे लेकिन सबसे लास्ट में कैलकुलेशन किया करो, अभी सब पुट कर दो। अब यहाँ पे जितना भी टर्म है, न्यूमरेटर सब डिनोमिनेटर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर साइड चेंज करने से, तो न्यूमरेटर को सब डिनोमिनेटर में लिख देते हैं,
और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, ठीक है। अब कैंसिल करना है, 200 जा 200, ठीक है, 250 जा 100। अब यहाँ पे 11 से करते हैं, 11 2 जा 11 5 जा, अब ये 2 बचा 225 जा 100। मुझे लगता है कि इसमें कुछ छूट गया क्या, 5 छूट गया, डिनोमिनेटर में 5 और था इंटू 5, तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर सब कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में बचा 5 × 25 × 7 × 5, ये 25 और 5 5 25, तो 625 हो गया, इंटू 7 करोगे तो 4375 आएगा शायद, चेक कर लेते हैं, यस 4375 है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। If the perimeter of and the circum, if the perimeter and area, if perimeter of circle is equal to area of circle, then radius will be, options are 2 units, pi units, 4 units, 7 units, A, B, C, D, आपको दिया हुआ है, ठीक है। Perimeter of circle is circumference, that is equal to 2 pi r. Area of circle is pi r square. Pi से pi cancel. ठीक है, तो क्या बचा? 2 r equal to r square. R square means r into r. ठीक है, एक r से एक r cancel. तो r आ गया 2 units and this is our required answer. तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं. वीडियो डेफिनेटली समझ में आया होगा. कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू, बाय।